किया महाराज। मारे जगराता करवा के तो सुबह सुबह शहर चले जाओगे। नहीं, मैं सिर्फ एक दिन के लिए जा रहा हूँ, कल ही रात को लौट आऊंगा। हमारी बात सुनो महाराज, आराम से जाके सो जाओ, सुबह उठ के शहर चले जाना। क्या ये भूत पलित को पकड़ने के चक्कर में पड़े हो? देखो मुझे क्या करना है ये मैं तय करूंगा, तुम्हें अगर नींद आ रही है तो सो जाओ, मैं पूरी रात यहीं बैठने वाला हूँ। ड्यूटी है तो करनी पड़ेगी, क्या करेंगे नहीं तो। अरे भाई सूरज भाण, जाके एक प्याली चाय तो पिला दे गर्मा गर्म। जी हुकुम। चाय नहीं। जी आपने किया? मैं तुम्हारा था। पानी हुकुम, वो आ गया हुकुम, पानी का भूत। इधर से जाओ। जी बैठो, तुम्हें रुकना, मैं आता हूं। क्या हुआ? वो आ गया साहब, वो आ गया यहीं पे। कौन? वो मैं यहां खड़ा था, मेरे को अचानक मेरे पीछे से पानी की आवाज आई, तो मैंने एकदम से मुड़ के देखा पीछे, तो वो मौत के सरीका मेरे सामने खड़ा था साहब। मैंने लपक के उसको पकड़ने की कोशिश की, तो तुम्हारे ऐसा लगा जैसे किसने अचानक से मेरे मुंह पे छपाक से पानी मार दिया साहब, और अचानक से कहीं गुम हो गया साहब। हुकुम हुकुम, दौलत ने कुछ हो गया। हुकुम दौलत 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 क्या हुआ? चल दौलत 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 क्या हुआ? दौलत क्या हुआ इसे? हुकुम मैं तो उधर था, अचानक आवाज आई, यहाँ कर देखा तो दौलत को कुछ हो गया। हुकुम ले चलो इसको, ले चलो उधर। जी दौलत दौलत लिटाओ 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 रखो दौलत 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 क्या हुआ? उठो दौलत 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 विक्रम विक्रम बचाओ। पूजा 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 पूजा, उस कमरे में इधर आओ। पूजा 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 दूबा दूबा ले गया उसे, दूबा ले गया उसे। अब वो डुबो देगा उसको, अब वो डुबो देगा उसको। पूजा 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 पूजा।
मैंने तो कहा था बहुत खतरनाक है वो, पर तू माना कोनी। अब ढूंढता रह मरने तक उसे। तू यहां कहां से आ गया? क्यों, मिल गई थारी जोरू? तुझे कैसे पता है मेरी बीवी गुम हुई है? आरे को तो पहले दिन से मालूम था कि ये दिन आने वाला है। थारे को चेतावनी भी दी थी मन ने। लग रहा था तू उस दीपा के बारे में कुछ ना कुछ जानता है, और जब भी मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की तू कहीं ना कहीं से निकल के आ गया। बता मेरी बीबी कहाँ है? बता। मिट्टी को पानी में डाल दो तो मिट्टी गुम हो जाती है दरोगा, फिर वापस नहीं आती, और इंसान तो मिट्टी का पुतला है। पुतला तेरी बीबी को भी उस पानी के भूत ने पानी में गुम कर दिया। ओ जल हो गई है तेरी बीबी पानी में, अब कभी वापस ना आओगी। ओ बकवास बंद कर और सच बता। अरे बावड़ा मत तो दरोगा, मारी बात अगर तन्ने पहले मानी होती तो आज ये नौबत ना आती। अब जा, पानी के सीने को चीर के अपनी चोरू को ले आ। जा, जा। चप्पा चप्पा छान मारा थानेदार साहब, कहीं कोई ना है, कोई सुराग नहीं है, कोई पैरों के निशान भी नहीं है। कुछ भी हो भैरव सिंह, हर कीमत पे पूजा को ढूंढना है। कहां कहां ढूंढोगे थानेदार साहब, और कितना ढूंढोगे? पिछले 100 साल में न जाने कितने गुम हो गए, एक ना मिला। अब तो मान लो कि वो डूबा है, डूबा कोई इंसान ना है। ये तड़ैया हमारे डाक बंगले से कम 5 किलोमीटर की दूरी पे है कि ना? साहब हम तो ये जीप से आए, अब हमारी अरज थारे से एक ही है, हमारे ये बता दो कि वो डाक बंगले से यहाँ तक बाबी जी को हमसे पहले लेके कैसे पहुंच गया? कुछ भी हो भैरव सिंह, हमें पूजा को ढूंढना है। पूरे गांव को छान मारेंगे। वी नीड मोफोस। कमिश्नर साहब से बात करूंगा। हेलो सर, सर विक्रम हियर। हाँ विक्रम बोलो। सर आई नीड योर हेल्प सर, पूजा को किसी ने किडनैप कर लिया है, मैं मुश्किल में हूँ सर। ओह माय गॉड। सर आई नीड योर हेल्प, मुझे बैकअप चाहिए, और वो भी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सर। आई एम सॉरी विक्रम, बट इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। लेकिन क्यों सर? विक्रम सीएम साहब आए हुए हैं और पूरी की पूरी फोर्स उनके सिक्योरिटी के बंदोबस्त में लगी हुई है। अगले 2-3 दिन तक मैं कुछ नहीं कर सकता विक्रम। सर यहाँ मेरी जिंदगी का सवाल है। आप I understand विक्रम, but I'm helpless, मेरे पास आदमी ही नहीं है। But I promise you, जल्द से जल्द मैं किसी को भेजने की कोशिश करूंगा। क्या कहा साहब कमिश्नर साहब ने? कुछ नहीं, तो जो भी करना है हमें ही करना है। दौलत कैसा है? वैसा का वैसा ही है साहब, डॉक्टर को दिखाया था पर उसकी भी कुछ समझ में नहीं आया। अभी सब इंसानों के बस की बातें थोड़ी ना है। ठीक है,
तुम गांव में पूछताछ करो, मैं एक बार डाक बंगला में छानबीन करके आता हूँ। ठीक है साहब, चलिए। क्या कर रहे थे थोड़े साहब? आज तक के सारे गुमशुदा लोगों के केसेस स्टडी किए हैं। अच्छा, क्यों? मैं कोशिश कर रहा हूँ कहीं कुछ ऐसा मिले जो सब केसेस में कॉमन हो। क्या वक्त बर्बाद कर रहे हैं थानेदार साहब? अरे हर कोई जाने इन सारे केसेस में एक ही चीज कॉमन है, वो है डूबा। इन केसेस में एक और भी चीज कॉमन है, ये देखो, जितने भी लोग गायब हुए हैं गर्मियों के इन दो महीनों के बाद, जुलाई अगस्त, सबके सब इन्हीं दो महीनों में गुम हुए, और गुम होने के साल अलग अलग है। इसमें कहीं कोई लिंक नहीं मिल रहा। माफ करना थानेदार साहब, पर मारे तो ये सब करने का कोई मतलब ही ना लागे। अरे ये साल महीने खोद के आप ये मालूम कर लोगे? मैंने काफी लोगों से सुना है कि इस दफे यहाँ बारिश ठीक से नहीं हुई है, सूखे जैसे हालात। हाँ, ये जैसे हालात तो हैं, तो क्या? अभी पता चल जाएगा। मैंने मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को कॉल किया था, वो लोग कुछ सालों का डिटेल्स देंगे। हेलो जी, जी थैंक यू सो मच। जी जी थैंक यू, मेरा शक सही निकला। क्यों? इन सब सालों में बारिश ठीक से नहीं हुई थी और अकाल पड़ा था। ठीक है, तो उससे क्या? नहीं, आखिर डूबा तभी आता है जब अकाल पड़ता है। आप तो कमाल करे हो थानेदार साहब, ये भूत के आने की भी कोई वजह हो क्या? करेक्ट, भूत के आने की कोई वजह नहीं होती, फिर वो क्यों उन्हीं सालों में आता है जब अकाल पड़ता है? वो हमेशा बारिश के महीनों में आता है। क्यों? उसके आने के महीने तय, उसके आने के साल तय, आने की कोई ना कोई वजह जरूर होगी। तो ठीक है साहब, आप ढूंढिए वजह, क्योंकि मेरी समझ में तो ये बात आवे ना। मारा तो सिर्फ इतना मालूम है कि मैं पिछले 40 घंटे से सोया ना, अब आप कीजिए तहकीकात और मैं चला आराम करने। अगर आपके कोई नई बात मालूम पड़ जावे मारे भी बता दीजिए। जय राम जी की। सूरज भान जी, हुकुम। इससे भी पुरानी फाइलें कहाँ? हुकुम, कुछ फाइलें वो कोने वाली अलमारी में पड़ी हैं, बहुत पुरानी फाइलें हैं, अब तक तो दिमाग भी चाट गई होंगी।
उदय सिंह राठौर? जी हुकुम, उदय सिंह राठौर भानगढ़ के राजा मान सिंह के बड़े बेटे। ये भी डूबा की वजह से? जी हुकुम, लोग कहते हैं कि मान सिंह राठौर और उनके परिवार के दो तीन सदस्य इसी तरह से गायब हो गए थे और उनके परिवार के बाकी सदस्य बानगढ़ छोड़कर चले गए थे, लेकिन बाद में उदय सिंह राठौर वापस बानगढ़ आए थे अपने पिता के गायब होने का भेद जानने के लिए, लेकिन वो भी एक दिन हुकुम। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? उदय सिंह राठौर मेरे पिता थे। क्या बात कर रहे हो हुकुम, थारे को ये बात नहीं पता? मैं तो शहर में पला बड़ा, मुझे यही बताया गया कि मेरे पिताजी अमेरिका में रहते थे और एक दिन अचानक उनकी मौत हो गई। सब कुछ आपस में जुड़ रहा है, सब कुछ आपस में जुड़ रहा है सूरजमा। मेरे पुरखों का यही गायब होना, मेरा यहां आना, ये जुलाई का महीना, ये डूबा, मेरे सपने, पूजा, सब कुछ आपस में जुड़ रहा है। सब कुछ पूजा। हुकुम, हुकुम, इनसे मिलो। ये हैं मांगीराम बैरवा, भांगड़ के रहने वाले हैं। कुछ दिनों से इनकी बेटी मिसिंग। डूबा, पूरे गांव के लोग जानते हैं उसको। पानी में तड़पा तड़पा के डुबो के मार देता है वो। गांव के अंदरूनी मामले में दखल मत करना। पूजा, पूजा, पूजा। उदय सिंह राठौर? जी हुकुम। ये भी डूबा की वजह से? जी हुकुम। Thank you.
सुनीता ने देखो तो कहीं जग तो नहीं गया। दौलत सिंह जी हुकुम। थारे को तो मेडल मिलना चाहिए मेडल। पूछ क्यों? क्यों हुकुम? अबे तू दुनिया का पहला ऐसा पुलिस वाला है जिसने अपने थानेदार के सिर पे चोट करके उसको उसी के कमरे में बंद कर दिया। अब की करे, ए ड्यूटी तो निभानी पड़े ना हुकुम। ड्यूटी? पर थानेदार निकला बड़ा पक्का, हाथ पैर मार के उसने असलियत का पता लगा ही लिया। खरी बात है हुकुम, वो फाइल मिल गई ना तक की वजह से। रे सूरज भान और दौलत, तुम दोनों मेरे को एक बात बताओ। मैंने तुम दोनों को कही थी कि वो रिकॉर्ड हटा लो, कही थी कि ना कही थी? फिर वो फाइल उसको मिली कैसे? हुकुम, बड़ी पुरानी फाइल है, हमने तो कभी देखी ना थी। मारे तो लागे है अब इस थानेदार के केस का दी एंड करी देते हैं। ए, इल्ला मत। भैरव सिंह बहुत हो गई लुका छिपी, तेरा खेल खत्म। ए, इल्ला मत, वरना भैरव सिंह की मुंडी ना रहेगी। ए, पीछे पीछे। हाँ भाई, अब आ गई बयान देने की बारी। बता ये सब क्या चल रहा था और मेरी बीवी कहाँ है? अट्ठे है थारी बीवी, जाने दे भैरव को, नहीं तो थारी बीवी हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। पूजा, विक्रम प्लीज मुझे बचाओ। विक्रम प्लीज, विक्रम विक्रम प्लीज बचाओ मुझे। विक्रम प्लीज बचाओ। कान सिंह, पूजा को छोड़ दो, मैं भैरव सिंह को छोड़ दूंगा। ठीक है, छोड़ दियो। थानेदार राजा, पूजा आओ। पूजा क्या हो गया तुझे? पूजा, फंस गया थानेदार। ये सब क्या है पूजा? माया है दरोगा, साफ माया है। जो दिखे है वो होता कोणी, और जो होता है वो दिखे कोणी। संगत तुम भी? मैं भी, और यो भी, और यो भी।
और यो भी दरोगा, पर इसमें थारा कसूर कोनी। अरे थारे को तो यो भी नहीं मालूम, पूजा है ना तेरी बीबी, ये तेरी बीबी होने से पहले मारी बेटी है। हाँ दरोगा, हमारी बेटी। अरे बावले तेरे से शादी इसलिए की थी इसने कि ये तेरे को यहाँ ला सके भानगढ़ में। ना दरोगा ना, तेरे को गोली से नहीं मारना, तेरे को तो ना डुबो के मारना है, डुबो के, क्योंकि डुब्बा ना डुबो डुबो के मारता है। अड़ेदार, अब थारे ये समझ में आ गया होगा कि उस रात डूबा थारी गोलियों से मरा क्यों नहीं। समझ में आ गई होगी कि उस रात मारे के दिखियो तो क्या हुआ? वो यही पैसा। अरे ये दरोगा तो बहुत समझदार निकला भाई, सब कुछ समझ गया। सिर्फ इतना बता दो, ये डूबा कौन है और किसने बनाया उसे? वही नहीं है, वो भाई डर का नाम है जिसे हमने भानगढ़ के लोगों के मन में बिठा दिया है। और क्यों? उनके भले के लिए, क्योंकि जिस साल बारिश ना हो ना, ये धरती बलिदान मांगती है। और यो परंपरा हमारे पुरखों ने 50-60 साल पहले शुरू की थी। सूखे वाले साल पूर्णमासी की रात को अगर किसी की बलि चढ़ा दो ना तो पानी का देवता खुश हो जाता था और अगले साल का सूखा टल जाता था। उस बलि को छुपाने के लिए हमने एक पानी का भूत तैयार किया जिसका नाम रखा हमने डूबा। पर मेरे परिवार से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? तेरे जो बाप दादा थे ना, वो भानगढ़ के राजा थे, राजा। और राजा का खून तो सबसे ज्यादा पवित्र हुआ है, और राजा की बलि तो उससे भी ज्यादा पवित्र। दादा के मरने के बाद ना वो सब चले गए क्योंकि वो जान चुके थे। तेरा बाप वो तो विदेश में था, पर यो भानगढ़ की धरती उसने भी यहां खींच के लिए आई, जैसे तुझे आज यहां खींच के लिए आई है मरने के लिए। के बोला था थाड़ेदार, लुक्का छिपी का खेल। उठा नजर और देख खिड़की के बाहर, आज पूर्णमासी की रात है, मतलब थारी की आखिरी रात है रे, आखिरी रात। मैं छोड़ू भाई तुम लोगों को। ना, तैयार करो थानेदार की अर्थी, तैयार करो। तू नहीं, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तेरा तो ना वक्त आ गया है अभी। Yeah.
कोई आवाज सुनी? हाँ सुनी, लेकिन कौन है? ए, रुक रुक रुक। सूरजवान, ये कौन मजाक कर रहा है? लगता है दरोगा के साथ किसी और की भी बली चढ़ेगी। देख कौन है मां का चला ये? क्या बात है, इतनी देर कैसे हो गई? ये लोग आए क्यों नहीं? एक काम करें कांड सिंह जी, चल के देखाते हैं। रुक, मैं देख के आऊं ये काम मर गए सारे के सारे। मैं मारूंगा सबको, बोल मुझे। अगा, बोल मुझे, बोल। पूजा, पूजा, पागल हो गई है पूजा, बोल मुझे, पूजा, पूजा। Thank you.
पूर्णमासी की रात है सांगा, तू उसी तलैया में डूब के मरेगा। और ऐसे ही किसी रस्म के मुताबिक वो लोगों को डुबो देते थे और किसी डूबा नाम के भूत की बात कहकर लोगों को डराते थे। और ये सब कुछ कई सालों से चल रहा था सर। स्ट्रेंज, अब कहां हैं वो लोग? सब कुछ इस रिपोर्ट में लिखा है सर। पूजा कैसी है? उसे गहरा सदमा लगा है सर। वो अब तक मेंटल हॉस्पिटल में है सर। डूबा, 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 डूबा।